नमस्कार दोस्तों, SS मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको मुकेश अंबानी की यहाँ पे फोटो दिख रही होगी, और ये फोटो इसलिए है क्योंकि RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आ गया है और रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों, रिकॉर्ड तोड़ के ए भी प्रॉफिट हुआ है, रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, इतना गजब का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो आपको मैं बता देता हूँ, नई रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 8.8% की बढ़ोतरी के साथ, यानी कि 8.8% बढ़ोतरी के साथ 10,200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया। प्रॉफिट प्रॉफिट है ये तो, 10,251 करोड़ का प्रॉफिट है दोस्तों, जबरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे है। और इस प्रकार रिलायंस देश की ऐसी पहली कंपनी बन गई जिसने किसी एक तिमाही में 10,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट किया। ध्यान दें इस बात का कि ये ऐसी कंपनी बन गई है, पहली ऐसी कंपनी है जिसने एक ही तिमाही में यानी एक ही क्वार्टर में 10,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट किया है। तो रिलायंस में ज़बरदस्त प्रॉफिट है दोस्तों। रिलायंस पे कल यहाँ पे संभावना, रिलायंस में कल ज़बरदस्त तेज़ी दिख सकती है, ज़बरदस्त तेज़ी दिख सकती है। और निफ्टी में, क्योंकि रिलायंस आपको पता है निफ्टी में है, तो निफ्टी में यहाँ पे आपको कल जोरदार उछाल देखने को मिल सकता है निफ्टी में। इस प्रकार मैंने अभी आपको SGX निफ्टी दिखाया दिखाया ना, तो उसी के बेस पे ये एक्सचेंज निफ्टी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिलायंस का रिजल्ट आया है। रिलायंस में कल जोरदार उछाल देखने को मिल सकता है। तो SGX निफ्टी अभी आपको 55+ में दिखा रहा है, 55+ में हो सके तो आपको अभी मॉर्निंग में आपको ये SGX निफ्टी 78+ में भी दिखा सकता है। 78+ पे ध्यान रखेंगे, एक्सचेंज निफ्टी मॉर्निंग में आपको 78+ में भी दिखा सकता है। अब आगे की खबर मैं आपको पढ़ देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे क्या है लिखा है। और 56% बड़ा रेवेन्यू, ये रेवेन्यू है जो 56% बड़ा है, और मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी के रेवेन्यू में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 56% बढ़कर 1,71,336 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। ये है दोस्तों 1,71,00,000 और नहीं सॉरी दोस्तों 1,71,336 करोड़, 1,71,336 करोड़ रुपए, ये इतना तो इसका जो स्तर है ना, ये इतना पहुंच गया है। तो इतना बड़ा स्तर इसका हो गया है। और रिलायंस जियो की भी बड़ी कमाई, क्योंकि रिलायंस जियो लगातार जब से आई है कमाई करती जा रही है और कमाई पे कमाई करती जा रही है, और कंपनियों को इसमें ये घाटा हो रहा है और ये कंपनी कमाई करती जा रही है, तो इससे भी कंपनी की आमदनी आई है। रिलायंस जियो को भी प्रॉफिट में शानदार बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर में समाप्त तिमाही के दौरान जियो का प्रॉफिट यानी 65% बढ़ गया है, 65% प्रॉफिट हुआ है और 831 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुँच गया है। जो रिलायंस जियो जियो का जो पिछली जो प्रॉफिट था उससे 65% का प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा है और 831 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इसको। वही जियो का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 31% की ग्रोथ पर के साथ 10,383 करोड़ रुपये हो गया है। यानी कि कल दोस्तों रिलायंस का कल दिन है, और रिलायंस में अगर कल प्रॉफिट बुकिंग, ध्यान दें अगर ये खुलते ही, रिलायंस खुलते ही अगर यहाँ पे जो कल की क्लोजिंग है, मैं आपको बता दूं रिलायंस में कल की जो आज की जो क्लोजिंग है, अगर उसके नीचे उसके उसके नीचे सस्टेन नहीं करता है, अगर आज की क्लोजिंग के नीचे रिलायंस अगर नहीं जाता है तो रिलायंस में कल जबरदस्त यहाँ पे यानी कि बेहतरीन यहाँ पे उछाल देखने को मिल सकता है। हो सके तो शायद ये 40 या 50 रुपये तक का भी आपको उछाल देखने को रिलायंस में मिल सकता है। तो दोस्तों रिलायंस का रिजल्ट आ गया है, और रिलायंस के इसी रिजल्ट के साथ दोस्तों मैं वीडियो करता हूँ ये एंड, और रिजल्ट आपको पूरा बता दिया है। ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है और रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट हुआ है। ऐसा प्रॉफिट आज तक किसी भी कंपनी को नहीं हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक तिमाही में किसी भी कंपनी को ऐसा प्रॉफिट नहीं हुआ है जो 10,000 करोड़ से अधिक का प्रॉफिट हो, जो पहली बार रिलायंस को हुआ है। तो कल रिलायंस में बेहतरीन यहाँ पे उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन वो आज की क्लोजिंग के नीचे नहीं जाना चाहिए रिलायंस, तभी जाके बेहतरीन उछाल देखने को मिलेगा रिलायंस में। ओके दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करता हूँ ये एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।
ताकि न्यू लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।